हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेम के हैंड नोट्स का डेमो डिस्कस करेंगे कौन कौन से यूनिट्स के नोट्स कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे किस प्रकार का मटेरियल मिलेगा एंड ये नोट्स आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे सो अगर आप परसू रायपुर छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी या दुर्ग यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं तो एज इट इज सिलेबस आपको देखने को मिलेगा एंड अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप यूनिट एंड टॉपिक्स मैच कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में भी सेम यूनिट एंड सेम टॉपिक्स दिए गए हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं थर्ड सेम के एग्जाम्स के लिए पहला यूनिट है इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर क्वाडर पर रिजोनेंस इस्पेक्ट्रोस्कोपी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस एक यूनिट को ये सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में मिलेंगे पीडीएफ में तो आप यहाँ पे टॉपिक मैच कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा अगर आप परसू यूनिवर्सिटी या दुर्ग यूनिवर्सिटी या बस्तर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले सकते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा लेकिन अगर आपको सिर्फ एक यूनिट का नोट चाहिए तो उसका भी इंडिविजुअल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चेक कर सकते हैं सेकेंड यूनिट है फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें ये सभी टॉपिक्स कवर होंगे थर्ड यूनिट है फोटोकेमिकल रिएक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड मिसेलिनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन फोर्थ यूनिट है ऑर्गेनो कैटेलिसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चार यूनिट आपको प्रिपेयर करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो एनर्जेटिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड सेकेंड यूनिट है मेटेलो एंजाइम एंड एंजाइम मॉडल थर्ड है एंजाइम एंड को एनजाइम केमिस्ट्री जिसका पार्ट भी है बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम सो ये सभी यूनिट एंड सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट का फोर्थ यूनिट है बायोपोलीमर इंट्रेक्शन थर्मोडानेमिक इन बायोपोलीमर सॉल्यूशन एंड सेल मेम्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट है एसिड्स बेस इलेक्ट्रोफाइल्स निक्लोफाइल्स एंड कैटेलाइसिस सेकेंड यूनिट है मिसेल्स एंड एबजॉपन्स एड इस जो सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसको इसमें अप्लाई किया गया है इसमें रखा गया है ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिखेंगे ये सभी टॉपिक्स बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको बी एस एंड एम दोनों में मिलेंगे तो आप टॉपिक मैच कर सकते हैं नोट्स ले सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम प्रिपेशन के लिए माइक्रो में ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर करने हैं इसके अलावा जो फोर्थ पेपर है एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसमें पहला यूनिट है सैंपल प्रिपरेशन डाइजेशन एंड स्टेटिकल एनालिसिस सेकेंड यूनिट है सेपरेशन टेक्निक थर्ड है थर्मल एंड एक्सरे डिफ्लेक्शन मैथड एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड्स एंड पोलेरोफी ठीक है तो इनका टॉपिक्स से कवर होगा तो ये यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं इतना सिलेबस है आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल एंड स्पेक्ट्रो का चारों सब्जेक्ट का ये टोटल सोलह यूनिट आपको थर्ड सेम के लिए प्रिपेयर करने हैं तो कौन किस टाइप का मटेरियल मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर आपको इस टाइप का मटेरियल मिलेगा कंप्लीट हैरिटन नोट्स है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा हर एक टॉपिक को सेमेस्टर एग्जाम के परस्पेक्टिव से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का मटेरियल आपको पी में मिलेगा अब हम डिस्कस करते हैं कि ये नोट्स आप किस प्रकार से ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आप टच करेंगे अगर आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट चाहिए तो एंड अगर आपको किसी इंडिविजुअल यूनिट का चाहिए तो उसमें भी सेम आपको इंटरफेस दिखेगा तो यहाँ पे आप लिंक पर टच करेंगे तो डायरेक्ट इंस्टामोजो के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आप बाय नाव पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा जिसमें आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेंगे रिव्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा मेक पेमेंट कर मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे फिर ये आपका पेमेंट ऑप्शंस आ जाएगा आप फोन पे गूगल पे पेटीएम नेट बैंकिंग वॉलेट्स किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं देन आप पेमेंट के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो ये सिंपल सा प्रोसेस है नोट्स डाउनलोड करने का इंस्टामोजो के थ्रू आप इस प्रकार से नोट्स ले सकते हैं इसके अलावा स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा आप उसमें भी मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ आपको व्हाट्सअप uh, में नोट्स डायरेक्टली मिल जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग